जैसे ये देखेंगे ये 300 रुपए से स्टार्ट है ये आइटम। ओके, इसका 300 प्राइसिंग है। सोल वगैरह इसकी किस तरह की क्वालिटी है? एयरमिक सोल बोलते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है ये। ओके, तो इसके अंदर ये जो शाइनिंग है ये किस तरह की पॉलिश होती है सर? ये नहीं, ये ऊपर से सिंथेटिक ही ऐसी फॉर्म है। ओके, इसको हम केमिकल्स के थ्रू इसे और शाइनिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ आगरा, जहाँ पर शूज की बहुत ही बड़ी मार्केट है। यहाँ पर शूज की मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो यहाँ से आप जो है होलसेल में शूज परचेज कर सकते हैं और एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है आप शूज का बिजनेस करके कमा सकते हैं। तो जैसा कि आप वीडियो में सामने देख रहे हैं, यहाँ पर शूज की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है इस वक्त। तो यहाँ पर इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग होते हैं यहाँ पर शूज की, और यहाँ से होलसेल में आप शूज परचेज कर सकते हैं। यहाँ से ही शूज है वो ऑल ओवर इंडिया सप्लाई होता है, क्योंकि ये जो आगरा की मार्केट है शूज की बहुत ही बड़ी होलसेल की मार्केट है, और यहाँ पर आपको काफी सस्ते रेटों में शूज मिल जाएंगे। तो वीडियो में आप देख रहे हैं यहाँ पर शूज की मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे कैसे कैसे शूज तैयार होते हैं, किस रेट में मिलेंगे, मैं आपको सारी चीज आगे डिटेल से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा देखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही होलसेल मार्केट के वीडियोस जो है वो मैं अपने चैनल पर हर रोज पोस्ट करता रहता हूं। तो यहां पर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पेस्टिंग होती है या शॉल है, तो शॉल पे जो है इस पे पेस्ट लगा करके और उसके बाद इनको पेस्ट किया जाता है, तो इस तरह से शॉल के साथ जो है वो पूरा जूता जुड़ जाता है। और देखिए यहाँ पर भी कुछ काम चल रहा है शूज का। सर ये आप इसमें क्या कर रहे हैं? लास्टिंग। तो लास्टिंग बोलते हैं इसको, ये शूज पर जो है इसको शेप देने के लिए उस पर पहले इसको कील से इसको शेप दी जाती है, उसके बाद जो एक्स्ट्रा होता है वो कटिंग वटिंग होके उसको फिनिशिंग मिल जाती है। एक दिन में कितने पीस निकाल देते हैं आप? 30-40 पीस निकाल देते हैं। ओके, तो दोस्तों जब शूज बनता है तो उसका स्टार्टिंग प्रोसेस होता है कटिंग से। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर कटिंग हो रही है इस तरह से। तो ये कटिंग सर प्रोसेस किस हिसाब से होता है? हाँ, इसमें ये सारे अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। ओके, ये कंपोनेंट्स को हम डिजाइनर के थ्रू इनको अलग अलग कराते हैं, अलग अलग पीसेस में आता है ये। ओके, फिर सारे सारे पीसेस को हम कटिंग के थ्रू हैंडमेड से हम कटिंग कराते हैं। सारे हाथ से कटिंग होती है? जी हाँ, सारा हैंडमेड है। अलग अलग डिजाइन के हिसाब से आप इसको कटिंग करते हैं? जी हाँ। ओके, फिर कटिंग के बाद क्या प्रोसेस होता है? बाद में ये फिटर डिपार्टमेंट में जाता है। ओके ओके, फिर वहां से इसकी नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होती है। आइए वो भी दिखाता हूँ दोस्तों आपको। तो कटिंग होने के बाद दोस्तों ये आ जाता है फिनिशिंग पे, फिटिंग डिपार्टमेंट पे, यहाँ पे इसकी फिटिंग होती है। तो ये किस तरह से होता है सर? जब सारे कंपोनेंट्स को हम अलग अलग करके एल से पेस्ट करते हैं। ओके, फिर उसके बाद इसको ये मशीन के थ्रू ये सिलाई किया जाता है। मशीन से ये सिलाई हो जाती है, तो इससे जो है इसकी मजबूती बढ़ जाती है। इसके बाद तो सभी जो है अलग अलग डिजाइन के हिसाब से इसकी अलग अलग सिलाई होती होगी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है सर? इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है उसको बॉटम में जाता है। बॉटम में जाता है। ओके, आइए वो भी दिखाते हैं दोस्तों आपको। तो इसके बाद दोस्तों हम आ गए हैं दूसरे डिपार्टमेंट में, जहां पर बॉटम का काम होता है। इस तरह से जो वहां पर फिटिंग वगैरह सब हो जाने के बाद इसका प्रोसेस जो आगे होता है। तो सर इसको अब हम आगे कैसे प्रोसेस करते हैं इसको? जैसे अगर अभी हमने देखा ऊपर डिपार्टमेंट से आने के बाद में, ओके, फिर इसको हम अलग अलग फॉर्मो पर इसे अलग अलग शेप दिया जाता है इसको। ओके, कैसे करते हैं वो सर दिखाएंगे एक बार। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए यहाँ पर जो है इसको शेप दिया जाता है। एक मिनट, तो ये फर्मा होता है दोस्तों, और इसके बाद जो है ऊपर का पीस जो है इस पे ऐसे फिट कर दिया जाता है, और इसके बाद इसको शेप दे दिया जाता है। तो कैसे करते हैं सर एक बार दिखाइए जरा। तो इसको ये ऐसे शेप दे दिया जाता है इस पे जो है कील वगैरह से इसको देके, और फिर ये इसको शेम कैसे रहता है सर? इसको हीट वगैरह करते हैं कुछ आप? जी हाँ, फिर इसको यहाँ से हम हीट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करते हैं। ओके, तो ये शेप देने के बाद इसको जो है हीट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ताकि जो इसकी शेप है वो बरकरार रहे। तो शेप देने के बाद ये जो है देखिए दोस्तों मशीन है यहाँ पर, इसके अंदर जो है इसको हीट किया जाता है, ताकि जैसा इसको शेप दिया गया है वो शेप उसकी बरकरार रहे, और ताकि जो है आपके जब पैर में वो डले तो उसी शेप के अकॉर्डिंगली वो बना रहे और कम्फर्ट उसका जो है वो बना रहे। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस इसका पेस्टिंग का होता है दोस्तों। ये पेस्टिंग जो है इसमें करके इस तरह से इसको शेप दे दिया जाता है, नीचे से इसका जो शॉल है और जो ऊपर का शेप है दोनों को चिपका दिया जाता है इस तरह से इसको पेस्ट लगा के। तो ये पेस्टिंग आप किस तरह से करते हैं? मतलब ये जो शॉल है
और जो ये ऊपर का पीस है दोनों को अलग अलग दोनों पे सिलोचन लगाया जाता है, दोनों पे सिलोचन लगा के फिर दोनों को चिपकाया जाता है जी, गरम करके फिर इसको से चिपकाते हैं। ओके, तो किसी किसी शूज में जो होता है ये थोड़ा उतरने का रहता है, तो इसके लिए आप उसकी परफेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं ताकि जो सोल है और शूज है वो आपस में अच्छे से चिपके रहे। हाँ, गरम करके चिपकाने के बाद में ओके हम इसे एयर प्रेशर मशीन से एयर देते हैं। अच्छा, एयर देते हैं ताकि जो है वो उसकी मजबूती अच्छे से बन जाए, चिपक जाए टाइट अगर उसको आप प्रेस करते हैं तो जी। गरम भी किया जाता है इसको? हाँ जी, गरम करके ही सोल को चिपकाया। अच्छा, जैसे ये मशीन आपने यहाँ पर रखी हुई है तो आप इसे इसको हीट देते हैं पहले जी। ओके, और इसके बाद एयर प्रेशर से उसकी जो है वो एयर पूरी निकाल दी जाती है। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर मशीन लगी हुई है जिसके अंदर इसको प्रेस करके जो है इसकी एयर पूरी निकाल दी जाती है ताकि बीच में बबल्स ना रहे और जो पेस्ट है वो छूटे ना, और इससे क्या होता है कि शूज की जो मजबूती है वो बन जाती है और उसकी लाइफ भी जो है वो बढ़ जाती है। तो इस तरह से इसको जो है एयर से प्रेस किया जाता है ताकि शॉल अच्छे से चिपक जाए और उसके अंदर हवा बिल्कुल ना रहे, क्योंकि अगर हवा रहती है तो उसका उसकी जो मजबूती है वो कम हो जाती है। और पेस्टिंग के बाद ये फिनिशिंग पे आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए फिनिशिंग चल रही है इसकी और पतावा वगैरह इस पे लगा के चिपका के इसको जो है फाइनल शेप दे दी जाती है, और इसके बाद जो है इस पे पॉलिश वगैरह कर दिया जाता है, इसकी जो डस्ट वगैरह सब निकाल दी जाती है ताकि जब ये आपके पास पहुंचे तो एक अच्छी लुक में पहुंचे, इस पे कोई भी एक्स्ट्रा डस्ट वगैरह या कोई भी दाग धब्बे नहीं रहे। तो उसके लिए जो है इसको जो केमिकल से है उससे इसको अच्छे से साफ भी किया जाता है। इसको केमिकल से साफ करने के बाद जो है ये पॉलिश वगैरह करके और इसको फाइनल पैकिंग पे भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर किसी किसी शूज में पॉलिश की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो देखिए यहाँ पर जैसे पॉलिश होती है एयर प्रेशर से। तो जैसे ये आप पीस देख रहे हैं ये अभी जो है पॉलिश नहीं किया गया है, और यहाँ पर दूसरा पीस है जो रेडी है जिसपे पॉलिश कर दिया गया है इसी का, तो काफी डिफरेंस आ जाता है। इससे शूज की जो है लाइफ भी बढ़ती है, लुक भी अच्छा आता है और इसपे जो है शाइनिंग अच्छी बनी रहती है। और इसके बाद जो है ये फाइनल चला जाता है पैकिंग डिपार्टमेंट में। तो आइए मैं आपको पैकिंग डिपार्टमेंट लेके चलता हूँ। और हम आ गए इस वक्त पैकिंग डिपार्टमेंट के अंदर। तो देखिए यहाँ पर हर एक शूज को जो है चेक करके बारीकी से चेक किया जाता है और उसके बाद जो है इसको पैक किया जाता है। तो यहाँ पर कितने शूज रेडी हो जाते हैं सर आपके पर डे के हिसाब से अगर हम देखें तो? 200 जोड़ी हम पर डे बेसिस पे हमारे यहाँ रेडी हो जाते हैं। 200 जोड़ी यहाँ पर रेडी हो जाती हैं, यानी कि काफी लार्ज स्केल पे अगर आपकी रिक्वायरमेंट कितनी भी है तो आप यहाँ पर ऑर्डर दे सकते हैं। और किसी को अपना डिजाइन ऑर्डर करवाना हो सर तो क्या वो भी पॉसिबल है? जी हाँ पॉसिबल है, मतलब कोई भी अपना डिजाइन अगर आपसे तैयार करवाना चाहे और कोई लेबल भी अगर प्रिंट करवाना चाहे तो आप वो दे सकते हैं। अपने नाम से अगर वो ब्रांडिंग करना चाहता है तो उसके नाम की ब्रांडिंग भी हो जाएगी। ओके, कुछ उसमें क्वांटिटी डिपेंड करती है जी। तो मैं जानना चाहूंगा सर यहाँ पर कोई मिनिमम कितना ऑर्डर दे सकता है आपको अगर ट्रांसपोर्टेशन किससे किसी को चाहिए तो? अगर हम जो है हर पेयर का कम से कम 8 पेयर का हमारा सिस्टम रहता है। ओके, यहाँ से 8 पेयर हम किसी को प्रोवाइड करा सकते, मतलब एक से साइज या एक डिजाइन जो होता है उसकी 8 पेयर बनते हैं। लेकिन हम उसे सजेस्ट करेंगे कि कम से कम वो 40 पेयर ले, 40 जोड़ी ले, 40 जोड़ी का, 40 जोड़ी का कॉस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और 8 पेयर का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस सेम रहता है जी। तो हम सबसे यही सजेस्ट करते हैं कि कम से कम 40 जोड़ी ताकि उसको जो है जो प्रॉफिट उसका ज्यादा उसके, क्योंकि कम अगर पेयर लेगा तो उसमें उसको ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा पड़ेगी और उसको कॉस्टली पड़ेगा। यहाँ से आप कहाँ कहाँ सप्लाई दे सकते हैं? देखो ट्रांसपोर्टेशन का ये है ऑल इंडिया, आगरा से ऑल इंडिया में कहीं भी, यहाँ से भी जिस शहर से वो बिलोंग करते हैं वही वहाँ पर आप दे सकते हैं वहाँ पे। ओके, तो आपके यहाँ पर किस किस वैरायटी के शूज बनते हैं सर? देखिए हम यहाँ फॉर्मल हैं, कैजुअल्स हैं, आज की जनरेशन को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें हम उसको प्रोवाइड कराते हैं। ओके, मतलब हर तरह की शूज जो है शूज हम बनाते हैं। और अगर किसी को ऑर्डर करना है तो पेमेंट का क्या सिस्टम रहता है सर? हाँ देखिए आजकल ऑनलाइन बैंकिंग है, आप चाहें तो ऑनलाइन बैंकिंग से हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, और उसके बाद हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू या वीडियो से आप जो फोटो चूज करके हम आपको उसको भेज सकते हैं। ओके, और अगर कोई यहाँ आके लेना चाहे तो मिनिमम क्वांटिटी क्या रहेगी? जैसे मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया कि मैं किसी भी कस्टमर को सजेस्ट करूंगा कम से कम 40 पेयर ही ले, 40 पेयर ले तो उससे उसको ट्रांसपोर्टेशन की आसानी रहेगी और उसको कॉस्ट भी अच्छी रहेगी। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देख लिया पूरा प्रोसेस के कैसे कैसे जो है वो शूज तैयार होते हैं। तो आइए मैं सलीम जी से जो है इनकी प्राइसिंग भी आपको बता देता हूँ कि किस किस प्राइस रेंज में आपको ये मिल जाएंगे जी। तो सर यहाँ पर जो आपकी शूज है वो किस प्राइस रेंज से स्टार्ट होते हैं?
शूज प्राइसिंग रेट 300 रुपए से है हमारे यहाँ। 300 रुपए से स्टार्टिंग होती है और हाईएस्ट प्राइस क्या मिल जाएगा? 450 रुपए के अंदर। तो एक बार क्या 300 रुपए में क्या क्या वैरायटी है एक बार जरा हमारे व्यूअर्स को दिखाइएगा। जैसे ये देखेंगे ये 300 रुपए से स्टार्ट है ये आइटम। ओके, इसका 300 प्राइसिंग है, ठीक है। और इसमें कलर भी मिल जाते हैं? हाँ, इसमें 3 कलर मिलेंगे, ब्लैक, ब्राउन, टैन। ओके ओके, तो ये लेदर में है या सिंथेटिक है? सिंथेटिक के अंदर बनाया गया है। सॉल वगैरह इसकी किस तरह की क्वालिटी है? इसको एयरमिक्स सॉल बोलते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है ये। ओके, तो ये 300 रुपीज स्टार्टिंग प्राइस है। इसमें कितने आर्टिकल्स मिल जाएंगे आपके पास? इसमें कम से कम 10 से 12 आर्टिकल्स मिल जाएंगे। 10 से 12 आर्टिकल्स होंगे। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट वैरायटी दिखाइएगा कुछ। ये है लोफर्स बोलते हैं इसे हम। ओके, ये लोफर्स में ये इस तरह का मिल जाएगा। और इसमें डिजाइन भी होंगे सर आपके पास? इसमें 8 से 10 डिजाइन मिल जाएंगे और 4 से 5 कलर मिल जाएंगे। 4 से 5 कलर मिल जाएंगे। तो ये 340 रुपए के रेंज में है। तो जो यहाँ से 340 रुपए का जो आप बता रहे हैं ये नॉर्मल मार्केट में किस रेंज पे बिकते हैं सर? ये सारे आर्टिकल्स 800 से 900 रुपए में मिल जाएगा आपको रिटेल प्राइस। 800 से 900, यानी कि अगर किसी को बिजनेस करना है तो यहाँ से जो अगर ये 300 इस रेंज में अगर बाइंग करते हैं तो 800 से 900 रुपए में आराम से बेच सकते हैं, यानी कि डबल से भी ज्यादा मुनाफा ले सकते हैं। ओके, तो और क्या क्या वैरायटी है सर आपके पास? जैसे ये देखेंगे इसे भी लोफर्स में ही कह सकते हैं आजकल हम। ओके, ये बहुत चल रही है आजकल, चलन में ही है। ये 380 रुपए की प्राइसिंग में है। ये 380 रुपए प्राइस के रेंज में है ये सारे जी। तो इसके अंदर ये जो शाइनिंग है ये किस तरह की पॉलिश होती है सर? ये नहीं, ये ऊपर से सिंथेटिक ही ऐसी फॉर्म है। ओके, इसको हम केमिकल्स के थ्रू इसे और शाइनिंग दिया जाता है। तो इस पे पॉलिश हो सकती है बाद में? हाँ जी, बाद में पॉलिशिंग कर सकते हैं। ओके ओके, शाइनर के थ्रू, शू शाइनर के थ्रू जो है इस पे पॉलिश हो सकती है। तो इसमें देखिए इस रेंज में दोस्तों काफी सारे डिजाइन है यहाँ पर। और ये फ्रंट पे जो है ये किस तरह का इसमें मटेरियल यूज किया गया है सर? ये इसे शावर बोलते हैं, शावर के अंदर ये डिजाइन किया गया है। अच्छा, शावर के अंदर डिजाइन है ये जी। हाँ, और ये इसके अंदर शूज में शॉल और ये बाकी का मटेरियल किस तरह का है सर? इसके पीपीआर सोल बोलते हैं हम। ओके, सोल है ये। इसकी लाइफ कितनी होती है सर? कितना चल जाता है ये? जितने भी यहाँ पर शूज लगे हुए हैं 8 से 10 महीने तक ये बहुत आसानी से चल जाए। 10 महीने तक, यानी कि रेगुलर भी अगर कोई यूज करे ऑफिस वगैरह के लिए तो 10 महीने तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। शॉल वगैरह की जो इसमें पेस्टिंग वगैरह होती है उसकी कुछ आप गारंटी भी देते हैं अगर कोई यहाँ से? आप गारंटी का मसला ये है कि जितना भी अभी आपने यहाँ देखा सारी चीजें ये हैंडमेड वर्क बना हुआ है। ओके, कहीं से भी कोई भी गुंजाइश नहीं है किसी चीज के अंदर कोई कमी निकले। लेकिन फिर भी मैं अपने जो दर्शकों को बताना चाहूंगा अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है तो हम उसे वापस कर लेते हैं। ओके, यानी कि बल्क में अगर कोई लेता है और उसको अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आता है तो आप रिटर्न कर सकते हैं? बोलोगे वो रिटर्न कर देंगे। ओके, तो इसके अलावा और भी कुछ वैरायटी है सर आपके पास? जैसे ये देखेंगे, हाँ जी, ये 400 रुपए की प्राइसिंग में है। ये 400 की प्राइसिंग में, यहाँ से जो है ये 400 की सारी प्राइसिंग में। तो इसमें 400 की रेंज में आपके पास कितने आर्टिकल्स होंगे सर? ये 400 की रेंज में भी कम से कम 20 से 25 आर्टिकल्स हैं। 20 से 25 होंगे। कलर भी इसमें ब्लैक एंड ब्राउन और ये 10, 3 कलर हैं। और सब में ये 3 से 4 कलर सब में मौजूद रहते हैं। अच्छा, कुछ लेस में बने होते हैं, कुछ विदाउट लेस भी होते हैं, सभी तरह की वेरायटी होती है इसके अंदर। ओके, और इसके अलावा सर कुछ दिखाइए डिफरेंस? ये देखिए, ये 420 रुपए की प्राइस है। ये 420 रुपीज का है। ये पीयू सोल में है। ये पीयू सोल के अंदर बनाया गया है, ठीक है। और इनकी लाइफ कहें तो वही 10-12 महीने यूज कर सकते हैं। और अगर ये रिटेल में अगर किसी को अगर अच्छे किसी शोरूम वगैरह में अगर कोई सेल करना चाहे तो क्या उसके लिए सूटेबल रहेंगे? हाँ, बिल्कुल सूटेबल है ये सारे। असल में क्या है, मैं छोटी सी बताना चाहूंगा आपको, ये शायद नहीं बताते हैं लोग कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो सिर्फ ब्रांडिंग की तरफ भागती है। हाँ जी, हाँ जी, बड़े बड़े ब्रांडों के भागती है। लेकिन हिंदुस्तान में जितने भी ब्रांड हैं उनका अपना खुद का मैन्युफैक्चर किसी का नहीं है, वो सब कहीं बाहर से बनवाते हैं। वो सारे जो मैन्युफैक्चर कराते हैं वो हमसे ही कराते हैं। हमसे मीन्स मतलब हम जैसे मैन्युफैक्चर से, वो सिर्फ अपना एक टैग देते हैं। हाँ, उस टैग के व्यापार पर ही उसके जूते की कीमत 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि वो अपने सिर्फ नाम का चार्ज करते हैं, मटेरियल सभी वही यूज होता है, वही यूज होता है। तो दोस्तों इस तरह से देखिए, हम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह पर आए हैं जहां पर आपको इस तरह की वैरायटी मिल जाएगी। क्वालिटी बिल्कुल सही है, जो कि ब्रांड जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं वो यूज करते हैं। तो वही क्वालिटी जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इन पर ब्रांड के टैग नहीं लगे होंगे, बाकी क्वालिटी सेम है, आप उसी तरह इनको यूज कर सकते हैं। और प्राइस का डिफरेंस की बात करें तो कम से कम उनसे 4 गुना कम प्राइस पर आप ये चीजें परचेज कर सकते हैं। और अगर आप अपना कोई ब्रांड लगवाना चाहें तो वो भी इन पर लगवा सकते हैं। तो इसके अलावा सर और क्या आर्टिकल्स हैं आपके पास? अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो शायद ये टेबल पर आर्टिकल जगह कम पड़ जाएगी। ओके ओके, यानी कि इतने सारे आर्टिकल्स आप बनाते हैं? बहुत आर्टिकल बनाते हैं,
तो मैं सब दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि वो पहली बार यहाँ आए और यहाँ के खुद विजिट करें और खुद अपने संयम से उसको पसंद करके ले। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, तो हमने जैसा फैक्ट्री में आपको दिखाया था कि यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल हैं, हर रोज नए नए डिजाइन बनते रहते हैं, तो अभी तो टेबल पर सारे लगाना मुश्किल है, इसीलिए आपको कुछ सिलेक्टेड जो डिजाइन थे वो हमने दिखाए, प्राइस रेंज भी आपको हमने बता दिए यहाँ पर। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया पूरे वीडियो में कि यहाँ पर किस किस तरह से शूज तैयार होते हैं, कितने कितने क्वांटिटी आप यहाँ से ले सकते हैं और कैसे कैसे शूज यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, प्राइस भी मैंने आपको डिटेल से बता दिए हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जो है वो सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही होलसेल मार्केट के वीडियो से आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। तो अभी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, जल्दी ऐसे किसी और वीडियो के साथ आपको मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।